नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया आज तक लाइव टीवी चैनल। चलते हैं आज की ताजा खबरों की। बाबा साहब अंबेडकर जी की मूर्ति का किया गया अपमान। जनपद रामपुर के तहसील मिल्क थाना शहजाद नगर ग्राम नरखेड़ा में अंबेडकर पार्क में लगे बोर्ड पर कुछ उपद्रव लोगों ने कालिक पोत दी। उस बोर्ड पर अंबेडकर साहब की मूर्ति बनी थी जिस पर कालिक पोत दी और कुछ अपशब्द भी लिखे गए, जिसके संबंध में भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने शहजाद नगर पुलिस क्षेत्र अधिकारी अनुज कुमार चौधरी के लिए लिखित रूप में सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर लिखित रूप में शिकायत की, जिसमें पुलिस क्षेत्र अधिकारी साहब ने पूरा आश्वासन दिया कि हम उपद्रवी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे और हम पूरा भरोसा दिलाते हैं और इस तरह के कृत्य करने वाले लोगों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस क्षेत्र अधिकारी महोदय ने दिलासा दिया, दोषी लोगों को पकड़कर बहुत जल्द कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मिल्क से रामनाथ गोस्वामी की रिपोर्ट। वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष राहुल गौतम, ASP आजा समाज। कहाँ रहते हैं सर आप? हम ग्राम देवरा। सर, आज यहाँ पर इतने लोगों की भीड़ इकट्ठी हुई है, ये क्या मामला है सर? ये ग्राम ननखेड़ा में कुछ अपद्र लोगों ने एक पार्क है जो भीमराव अम्बेडकर जी की बनी हुई है, तो बोर्ड लगा हुआ था, उस बोर्ड पे काली कोट थी, बाबा साहब का वहाँ पे चित्र बना हुआ था और अंबेडकर पार्क लिखी हुई थी। और वहाँ पर कुछ लोगों ने एक पेपर चिपका दिया, उसमें अभद्र भाषाओं का प्रयोग किया गया है, जाति सूचक शब्द द्वारा गाली दी गई है। तो इसकी सूचना सर आपने वहाँ कर थाने में जाकर दी कोतवाली में? थाने में एक दो बार पहले भी दे चुके हैं, कई बार ये मामला आ चुका है, पहले भी अखबारों में। तो इस मामले में अब तक पुलिस ने क्या कार्रवाई की है सर? अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है और हमारा पूरा संगठन, पूरी टीम आई हुई है और हम चाहते हैं इन लोगों के लिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके जेल भेजा जाए। सर, आज आप यहाँ पर शहजाद नगर में आए हुए हैं, इसकी सूचना आपने शहजाद नगर थाने में दी? हम अभी जाएंगे, सब लोगों को सूचना दी हुई है। अभी अभी आप थाने में गए नहीं हो? नहीं, अभी जा रहे हैं, बस थाने जा रहे हैं। सर, SHO साहब को मैसेज दे दिया है। तो सर, इस तरीके के जो वारदातें हैं वो हर रोज़ हो रही हैं और जो आप बता रहे हैं कि अंबेडकर मूर्ति पर जो गाली फूंकी और अपशब्द का प्रयोग किया गया है, तो ये क्या पहले भी हो चुका है क्या? जी, ये पहले भी हो चुका है और लगातार मनुवादियों द्वारा ये काम किए जा रहे हैं। ऐसे कौन लोग हैं वो? किसी का आपको संज्ञान है, किसी का आपको पता है कि कौन लोग हैं? ऐसे कौन लोग हैं ये गलती कर रहे हैं बार बार और जान पूछ कर ये कर रहे हैं? कुछ लोगों के नाम लिखे हुए हैं इसमें, रवि, जो लोगों ने, गांव वालों ने सूचना दी है, उसमें नाम दर्ज रिपोर्ट दी जा रही है, जिन लोगों ने काली पोती है और जो कि बहुत ही संगीन अपराध है। एक हमारे महामहिम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की काली पोतना, उनकी विचारधाराओं का उल्लंघन करना, ये बहुत संगीन अपराध है। सर, भीमराव अंबेडकर हमारे संविधान के निर्माता हैं सर, तो सर आप भीमराव अंबेडकर जी के बारे में क्या दो शब्द क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे, जो भीमराव अंबेडकर जी हैं, उन्होंने जो संविधान बनाया है वो SC ST OBC सब समाज के लिए बनाया है और सभी महिलाओं के लिए एक बराबर का दर्जा दिया है, और ऐसे महान पुरुष के ऊपर कालिक पोतना बहुत ही शर्मनाक बात है। ये प्रशासन जान ले, अगर इसमें कड़ी कार्रवाई नहीं होती है तो हम एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, भीम आदमी आजाद समाज पार्टी की तरफ से।